की जरूरत है, जाफरी चैलेंजर्स जाफरीपुरा की, जो हसन अब्बास चारोलिया है 14 गेंदों में 38 रन बनाकर 5 छक्के 1 चौकी की मदद से नाबाद पारी खेल रहा है, और अकबर अली कलीवाला 1 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। 36 गेंदों में 57 रनों की जरूरत फिरोजपुरा एवेन्यू की ओर से जाफरी चैलेंजर शेद राणा। चौथा ओवर लेके आए है महराज हुसैन, वो अपने गोटे का दूसरा ओवर लेके आए है और टीम का चौथा ओवर। और मोहम्मद अजीम ने उठा दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर, खिलाड़ी मौजूद है और दूसरा झटका लगता हुआ जाफरी टाइगर वाघरो ले का, एक बड़ा कैच यहां पर, बड़ा धमाका हुआ है का, अच्छे बल्लेबाज जो पहले मैच में उतने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था आज उतना अच्छा बल्ला नहीं चला, मोहम्मद अजीम खुद आउट होते हुए दूसरा झटका जाफरी टाइगर वाघरो ले का, उसके स्थान पे आए हैं नजीर मोहम्मद कड़ीवाला, वो भी बेहतरीन बल्लेबाज है। क्या बोलो? लाइव चालू दियो, लाइव नहीं चालू दियो, लाइव चालू दियो भाई, नहीं चालू दियो, मजा को ग्लोटो पड़े लाल। अरे राड़ आप फोन पर फोन आवाज़ पर शुरू करे तो आल चालू जाए। हल्के हल्के कदमों से महराज हुसैन सामना करेंगे नजीर मोहम्मद कड़ीवाला। आते ही खेलना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, टीम का स्कोर वही रुका हुआ 38 रन। हला मोहम्मद करीम अच्छी गेंद थे, मारना चाहते थे, बीट हुए नजीर मोहम्मद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। મોહમ્મદ ભાઈ એટલે મેચ ચાલુ થઈ ગઈ 3 ઓવર નો ખાઈ ગઈ હું કોમેન્ટ્રી બોલું છું યાર પ્રો અચ્છા શોટ ખેલના ચાહતે થે નજીર મોહમ્મદ લેકિન ઉચ્ચા સંપર્ક નહીં હુઆ ઉસકે બલ્લે સે કોઈ રન નહીં કોઈ નુકસાન નહીં ટીમ કા સ્કોર 38 રન દો વિકેટ કે નુકસાન પર પહેલે ટોસ જીત કર બલ્લેબાજી કરતે હુઈ જાફરી ટાઈગર્સ વાગરોલ એ ચોથા ઓવર પ્રગતિ પર હૈ महराज हुसैन कड़ीवाला सामना करेंगे नजीर मोहम्मद कड़ीवाला। अच्छी गेंद डाले और अंपायर का इशारा रहेगा वाइड गेंद, उठा के खेलना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर से लेकिन उतना संपर्क नहीं हुआ नजीर मोहम्मद के बल्ले से, 4 गेंद लगातार डॉट और चौथे ओवर का आखिरी गेंद प्रगति पर। सम्मान दिया मिडॉन के खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद जाफरी टाइगर्स वाघरौली का स्कोर पहुंचा है 40 रन दो विकेट के नुकसान पर, पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए जाफरी टाइगर्स वाघरौली आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला। Thank you.
देखते हैं पांचवा। चार ओवर की समाप्ति के बाद जाफरी टाइगर्स वागरोल एक का स्कोर पहुंचा है 40 रन। देखते हैं खुद कप्तान आते हैं गेंद डालने के लिए और पांचवा ओवर लेके आए सिराज अहमद खुद कप्तान। अपनी कोटे का यह पहला ओवर है और टीम का पांचवा ओवर यानी ड्रिंक के पहले का आखिरी ओवर। मेहरबान अली 8 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद पारी खेल रहे हैं। सामने नजीर मोहम्मद कड़ीवाला। फाइनल की ओर से खेल दिया है शॉट, कोई मौका नहीं बनेगा गेंद रोकने का और सीमा रेखा के पार चली गई गेंद 4 रनों के लिए। इस अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर प्रगति पर। हल्के हल्के कदमों से सिराज अहमद सामना करेंगे नजीर मोहम्मद। उठा दिया शॉट, खिलाड़ी समय पर पहुंच नहीं पाए और नजीर मोहम्मद को यह जीवनदान मिलता हुआ। बहुत अच्छी ट्राई की है, इस 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। फिर से नजीर मोहम्मद एक बार फिर से उठा दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर से और नजीर मोहम्मद के बल्ले से निकलता हुआ। तो जितकर बल्लेबाजी करते हुए जाफरी टाइगर्स वागरोली फिर से उठा के खेलना चाहते थे, बीट हुए नजीर मोहम्मद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन में कोई इजाफा नहीं, टीम का स्कोर वही रुका हुआ। पांचवा ओवर प्रगति पर चल रहा है, 2 गेंद अभी शेष। डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर से खेल लिया शॉट, खिलाड़ी मौजूद था वहां पर, जब तक थ्रो करेंगे तब तक 1 रन। और पांचवे ओवर का आखिरी गेंद प्रगति पर यानी ड्रिंक्स के पहले का आखिरी गेंद। हल्के हल्के कदमों से सिराज अहमद सॉरी मेहरबान अली स्ट्राइक पर है। पांच ओवर की समाप्ति के बाद जाफरी टाइगर्स वागरोल एक का स्कोर पहुंचा है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए और ड्रिंक्स का समय हो चुका है ड्रिंक्स की टोली मैदान में। पांच ओवर के बाद जाफरी टाइगर वागरोल एक का स्कोर पहुंचा है 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। ड्रिंक्स चलती हुई पांच ओवर के बाद जाफरी टाइगर्स फाग्रोली का स्कोर है 53 रन दो विकेटों के नुकसान पर, जबकि 9 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद पारी खेल रहे मेहरबान अली नादोलिया, जबकि सामने नजीर मोहम्मद कड़ीवाला 10 गेंदों में 14 रन पर खेल रहे हैं। सदीकपुर JPCL वाग्रोल टाइटल स्पॉन्सर है 440 हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड वाग्रोल। ड्रिंक्स का समय पूरा हुआ, छठा ओवर लेके आए हैं। आबिद अली दासदिया अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का छठा ओवर, सामना करेंगे नजीर मोहम्मद कड़ीवाला। फाइनल की ओर से खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए, कोई रन नहीं, टीम का स्कोर 53 रन दो विकेट के नुकसान पर। रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, पैरों पे लगी गेंद, अंपायर का इशारा लेग बाय, एक रन बढ़ता हुआ 54 रन दो विकेट के नुकसान पर। हल्के हल्के कदमों से अभी दलिदा से दिया, सामना करेंगे मेहरबान अली, उठा के खेलना चाहते थे, इस बीच बिट हुए मेहरबान अली, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन में कोई इजाफा नहीं, टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ 54 रन। छठा ओवर प्रगति पर है, फुल टॉस गांधी, अंपायर का इशारों का इंतजार रहेगा और नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर मंजूर अली के द्वारा, और फ्री हिट का फायदा उठा सकते हैं नजीर मोहम्मद, वो अगले बॉल बताएंगी। हैदरी फॉर किशोरगढ़ फिरोजपुरा मेन्यू पर ये पहला मुकाबला चल रहा है। और यहां अपील तो की है लेकिन
लेकिन अंपायर का इशारा जो था फ्री हिट का, उसमें स्टंप्स आउट अलाउड नहीं है। अंपायर का इशारा नॉट आउट। उठा के खेलना चाहते थे फाइन लेग की ओर से नजीर मोहम्मद, लेकिन अंपायर का इशारा रहेगा वाइड गेंद। इस अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन दो विकेट के नुकसान, सॉरी 58 रन दो विकेट के नुकसान पर। एक्स्ट्रा कवर की ओर से खेल दिया शॉट, खिलाड़ी मौजूद है, रन में कोई इजाफा नहीं। छठे ओवर का आखिरी गेंद पगड़ी पर, अच्छा शॉट खेला डीप मिड विकेट की ओर से और समझ ही नहीं पाए फील्डर्स और गेंद को रोक नहीं पाए, सीमा रेखा के पार चली गई। चार रन के लिए छह ओवर की समाप्ति के बाद जाफरी टाइगर्स वाग्रोली का स्कोर पहुंचा है 60 रन 62 रन दो विकेट के नुकसान पर। सातवां ओवर लेके आए हैं महराज हुसैन अपने कोटे का, ये तीसरा ओवर। दो सफलता मिल चुकी है, 19 रन खर्च किए हैं, अपने कोटे का ये तीसरा ओवर है और टीम का सातवां ओवर है। फिरोजपुरा वेन्यू पर ये पहला मुकाबला चल रहा है। 122 रनों का टारगेट दिया था हैदरी फॉर किशोरगढ़ ने और सामना करते हुए जाफरी चैलेंजर सिद्राणा की टीम। 14 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है सिद्राणा की टीम को और हसन अब्बास चारुया काफी धुरंधर बल्लेबाजी करते हुए 61 रन पर नाबाद पारी खेलते है। अच्छा शॉट खेला है नजीर मोहम्मद के बल्ले से निकलता हुआ, ये दूसरा छक्का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 68 रन दो विकेट के नुकसान पर। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए जाफरी टाइगर्स वाग्रोल ए, फिर से उठा के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद लगी पैरों में, अंपायर का इशारा रहेगा लेग बाय। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन दो विकेट के नुकसान पर। सातवां ओवर अभी प्रगति पर है और महराज हुसैन अपने कोटे का यह तीसरा ओवर सामना करेंगे मेहरबान अली नांदोलिया।
काफी बाहर गेंद थी, ऑफ साइड की ओर से गेंद थी ये, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, टीम का स्कोर पहुंचा 70 रन। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर से, सीमा रेखा के पार चली गई गेंद, चार रनों के लिए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। फिर से उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले से अच्छा संपर्क नहीं हुआ, बीट हुए मेहरबान अली, टीम का स्कोर 74 रन। अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग, और यहां दोनों खिलाड़ियों से कुछ अच्छा अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग, और यहां दोनों खिलाड़ी 15 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए मेहरबान अली नांदुलिया, 3 छक्के और 3 चौके की मदद से तीसरा झटका लगता हुआ जाफरी टाइगर्स वाघरौली का, और मेहरबान अली नांदुलिया पेविलियन लौटते हुए बेहतरीन पारी खेल रहे थे, 15 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद और सॉरी आउट होते हुए नए बल्लेबाज के रूप में आया है कप्तान खादिम हुसैन शेलिया। सातवें ओवर की आखिरी गेंद का खेल, सामना करेंगे मेहराज हुसैन का खादिम हुसैन। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद हेलीकॉप्टर चलाया यहां पर खादिम हुसैन ने, गेंद आई लॉन्ग ऑन की तरफ, अपने रन बनाने का सिलसिला शुरू किया, उनका स्कोर हुआ 1 रन जबकि 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर, 10.86 के करंट रन रेट से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई वाघरौले। अब पावर प्ले जाफरी टाइगर वाघरौल के लिए, मेहराज हुसैन अपने 3 ओवर मुकम्मल किए, उन्होंने 3 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट ली, इनिंग का 8वां और अपने कोटे का 2रा ओवर लेकर आबिद अली दसाड़िया सामना करेंगे वाघरौले के कप्तान खादिम हुसैन शेलिया। 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खराब गेंद लेकिन फायदा उठाने में नाकामयाब रहे, और यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चौथा विकेट गिरता हुआ जाफरी टाइगर वाघरौल का। बेस्ट एयर कंडीशनर सप्लाई अने सर्विस माटे एक ज नाम अफीस, जहाँ छे स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, सेंट्रल एसी, डक्टेबल अने वीआरएफ सिस्टम नी मोटी रेंज। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है वाइड स्मिथ की तरफ, वहां पर मिसफील्ड हुई,
एक रन का मौका था और बल्लेबाजों ने पूरा किया। मोहिब अली ने इस एक रन के साथ अपने रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। 77 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 7.2 ओवर्स। खादिम हुसैन सामना करेंगे आबिद अली दसाड़िया का। विलेज एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को खेल दिया फील्डर की दीवार वहां पर। अठहत्तर 78 लॉस ऑफ 4 विकेट, जबकि ये इनिंग के 8वें ओवर का खेल प्रगति पर। बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर है। और मोहिब अली ने गेंद को ऊंचा खेला और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 440 और नूकी ग्लोबल फूड छक्का। पहला छक्का मोहिब अली के बल्ले से निकलता हुआ। 84 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आबिद अली दसाड़िया एक ओवर 4 गेंद 16 रन, कोई विकेट उनके खाते में नहीं। सामना करेंगे उनका मोहिब अली। छक्का खाने के बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज आबिद अली दसाड़िया। 2 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 8 ओवर के खात्मे पर 84 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वुडन टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, रबर टाइल्स, नेचुरल स्टोन फिनिश टाइल्स, किसी भी शेप या साइज की टाइल्स, किसी भी टेक्सचर या फिनिश की टाइल्स, जैसी चाहो वैसी बना के देंगे टाइल्स, जो कहीं ना मिले हम ला के देंगे टाइल्स, और सिर्फ टाइल्स ही नहीं कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज भी। सिराज अहमद सदीकपुर के कप्तान, राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद खादिम हुसैन के लिए। खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संगम नहीं, रन का कोई इजाफा नहीं। आखिरी 11 गेंदें इस मैच इस इनिंग की शेष। 84 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सिराज अहमद मानुषिया दस आशारिया और यहां पर हड़बड़ाहट में एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 85 85 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब मोहिब अली सामना करेंगे सिराज अहमद का। इनिंग के 9वें ओवर का खेल प्रगति पर। 85 85 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 10 गेंदों का खेल शेष पहली इनिंग का। मोहिब अली सामना करेंगे सिराज अहमद का। आप वॉलीबॉल लेकर ड्राइव किया, गेंद आई लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर चौकन्ने। एक रन के साथ मोहिब अली पहुंचे नो स्ट्राइकर एंड पर। उनका स्कोर हुआ 8 रन, जबकि 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग के 9वें ओवर का खेल प्रगति पर। सिराज अहमद राइट आर्म राउंड द विकेट, मोहिब अली ने खेला, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन लिया। और एक ही रन से संतुष्ट। 87 87 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 8 गेंदों का खेल शेष। सिराज अहमद का सामना करेंगे मोहिब अली।
और ये गेंद बिल्कुल हमारी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, 440 और नूकी ग्लोबल फूड छक्का। सिराज अहमद ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे उनका मोहिब अली। एक अच्छा ओवर, नौवां ओवर जिसमें 9 रन आए। सिराज अहमद 2 ओवर में 22 रन दिए। अब इनिंग का आखिरी ओवर, 9 ओवर के खात्मे पर 93 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 10.33 का करंट रन रेट। फिरोजपुरा वेन्यू पे जाफरी चैलेंजर सेदराना ने 9 विकेटों से हैदरी फोर्ट किशोरगढ़ को परास्त किया है। ऊंचा अकेला, गेंद के नीचे 3 फील्डर और खादिम हुसैन आउट होकर पांचवे विकेट के रूप में पेवेलियन वापस। 93 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 9.1 ओवर, 10.15 का करंट रन रेट। आबिद अली दसाड़िया अपने कोठे का और इनिंग का आखिरी ओवर लेकर, अभी तक 2 ओवर 1 गेंद 16 रन और वागरोल एक एक कप्तान खादिम हुसैन का विकेट ले चुके हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अहमद अब्बास नो स्ट्राइकर एंड पर लेग बाई के रूप में रन आया। 94 लॉस ऑफ 5 विकेट, आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष। आबिद अली दसाड़िया 2 ओवर 2 गेंदे 16 रन 1 विकेट, सामना करेंगे उनका मोहिब अली। यहां पर अपील हुई विकेट कीपर और गेंदबाज के द्वारा, अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। इस अपील का हमारे लीड पैनल के अनुभवी अंपायर एहसान अली कड़ीवाला को कोई हड़बड़ाहट नहीं। मोहिब अली ने खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री टावर की बगल से। जाफरी टाइगर्स वागरोल ने आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, गेंद के पीछे पीछे फील्डर 1 रन के लिए, दूसरे के लिए पलटे और जब सीधा विकेटों पर थ्रो आया, लेकिन अपनी क्रीज पर सुरक्षित मौजूद मोहिब अली। 102 रन इनिंग की आखिरी गेंद का खेल शेष। आबिद अली दसाड़िया 2 ओवर 5 गेंद 24 रन 1 विकेट इनिंग की और अपने कोटे की आखिरी गेंद डालेंगे और 10 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाने वाले मोहिब अली सामना करेंगे। गेंद को धकेल दिया मिड विकेट की तरफ, 1 लिया दूसरे के लिए पलटे और
दो रन मुकम्मल कर लिए, 104 रन 10 ओवर के खात्मे पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जाफरी टाइगर्स वाघरोले, जीत के लिए 105 रनों का टारगेट दिया है। Title sponsored by 440 Healthcare. Co-sponsored by Nuki Global Foods. Cricket 360 sponsored by Office Appliances. हाय दोस्तों, मैं JPCL परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। क्रिकेट 360 प्रोग्राम में आप सबका वेलकम करता हूँ, जिसको ऑफिस अप्लायंसेस ने स्पॉन्सर किया है। आज की मैच सदिकपुर और वाघरोल ए के बीच में खेले जाएगी। ये एक टफ मैच है दोनों टीमों के लिए। दोनों टीम कांटे की टक्कर देने में माहिर है, दोनों टीम बराबरी पे है। इकबाल साहब, दोनों टीमों की, दोनों कप्तान की क्या रणनीति होनी चाहिए? सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सवाल है आज की मैच का, जो कि मैच नंबर 2 है, सदिकपुर और वाघरोल ए। अभी यहाँ पर सदिकपुर ने 2 मैच खेली है, उसमें से 1 मैच उन्होंने जीता है और 1 मैच हारा है। लेकिन जो हारा था वो पास्ट हो चुका है और जो मैच जीता है वो अभी ताज़ा है। बिल्कुल। तो जीत का जो जज्बा है उसको लेकर जाफरीपुरा के सामने उन्होंने 5 विकेटों से जो जीता था उस मैच में, उनके मिगदाद अली जिन्होंने 3 ओवर में 9 रन दिए, 9 गेंदों में 30 रन दिए थे, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के थे। आबिद अली 3 ओवर का उन्होंने स्पेल किया था, 20 रन 2 विकेट, और सिराज अहमद उनके कप्तान, तो उन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। तो ये मैच में सिराज अहमद जो कि कप्तान है, मैन ऑफ द मैच थे, अच्छी तरीके से लीड किया था। अब यहाँ पर सदिकपुर चाहेगा कि इस मैच को जीतकर अपने आप को टूर्नामेंट के आगे के लिए क्वालिफाई में अपनी जगह पक्की बना ले। वहीं वाघरोले जिन्होंने धोलका के सामने 43 रनों से मैच को जीता था, उनके जो मोहम्मद अजीज थे, जो मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने 36 गेंदों में 86 रनों की, 2 चौके और 11 छक्कों वाली जो इनिंग खेली थी, और साथ मिला था उनको मोहम्मद अली सुनसरा का, जिन्होंने 20 गेंदों में 33 रन, 2 चौके और 2 छक्के लगाकर बनाए थे। तो इन दोनों की जो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी थी उसने एक अच्छी ऐसी नींव रख दी थी, एक बड़ा टारगेट खड़ा करने में धोलका प्रेशर में आ गई थी। उसके बाद में नज़ीर मोहम्मद जिन्होंने गेंदबाजी की 2 ओवर में 12 रन 2 विकेट, और मोहसिन पलसानिया जिन्होंने 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट ली, और इमदाद अली शेलिया जिन्होंने सपोर्ट किया और 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट ली। तो गेंदबाजों ने इस तरीके का प्रेशर बना लिया था वाघरोल ए के धोलका को, उन्होंने परास्त कर दिया और वन साइड उस मैच को जीत लिया था। तो अब यहाँ पर धोलका जिसने सदिकपुर को हराया और सदिकपुर ने जाफरीपुरा को हराया और वाघरोल ने धोलका को हराया, तो ये ग्रुप इतना टफ हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड वापस से हो गया। हाँ, तो अब इस मैच को सदिकपुर और वाघरोल की एक ही जो मैच है उसमें जो टीम जीतेगी वो इस टूर्नामेंट की टॉपर रहने वाली है। अब देखते हैं कौन किसका दबदबा भारी रहता है। लेकिन दर्शकों के लिए आज की नाइट का ये दूसरा मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद है। शुक्रिया इकबाल साहब। तो टॉस का टाइम हो चुका है, दोनों कप्तान बीच मैदान पर मौजूद है, तो आइए देखते हैं टॉस।
Title sponsored by 440 Healthcare. Co-sponsored by Nuki Global Foods. चार रन बना पाए, 105 रनों का टारगेट दिया जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर को। जाफरी टाइगर वाग्रोले पहले टॉस जीता था, बल्लेबाजी किया, उसके बल्लेबाज मेहबान अली नांदोलिया 16 गेंदों में 35 रन बनाकर अच्छी पारी खेली। फिर नजीर मोहम्मद 15 गेंदों में 20 रन बनाकर और 11 गेंदों में 24 रन बनाकर मोहिब अली ने आके अच्छा स्कोर जताया। 104 रन बना पाई, 105 रनों का टारगेट दिया। पहला ओवर लेके आया है कामयाब अली, पहले ओवर से पहली गेंद में अच्छा प्रहार किया। जब तक फील्डर थ्रो करेंगे तब तक दो रन आसानी से मुकम्मल कर लिया। दोनों सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर है हसन हैदर, नॉन स्ट्राइकर है मोहम्मद अली मानसिया। हल्के हल्के कदमों से कामयाब अली अंबलिया सना सामना करेंगे हसन हैदर। इस बीच अच्छी गेंद थी, मारना चाहते थे, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, टीम का स्कोर वही रुका हुआ दो रन। आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला, 105 रनों का टारगेट दिया है। सामना करते हैं हसन हैदर कामयाब अली का। ऑफ साइड की ओर से मारना चाहते थे लेकिन उतना संपर्क नहीं हुआ बल्ले से, बाकी का काम मोहिब ने पूरा किया। रन में कोई इजाफा नहीं, टीम का स्कोर वही का रुका हुआ दो रन। पहला ओवर प्रगति पर अंपायर का इशारा वन बाउंस। फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, कट बिहाइंड अपील हुई, अंपायर का कोई इशारा नहीं। कामयाब अली सामना करेंगे हसन हैदर। और इस बीच अंदरों ने किनारा लगा, यहां पर कट बिहाइंड अपील हुई कामयाब अली की ओर से, लेकिन हमारे एनिट पेलन अंपायर एहसान अली पर कोई प्रभाव नहीं। अच्छी गेंद डालते हुए कामयाब अली पहला ओवर प्रगति पर है।
और पहले ओवर का आखिरी गेंद प्रगति पर सामना करेगा हसन अदर कामयाब अली का। इस मरीज ने उठा दिया है, नीचे खिलाड़ी मौजूद है, मोहसिन अली देखते हैं कैच कर पाते, पहला झटका जाफरी टाइगर्स वागरोल को मिलती हुई पहली सफलता और हसन अदर का यह पहला झटका लगता हुआ जाफरी मोमिन इलेवन सदीकपुर की ओर से। ओवर डाली है कामयाब अली अंबलियासाना की ओर से 105 रनों का पीछा करते हुए टीम जाफरी मोमिन इलेवन सदीकपुर उसके स्थान पे आया है नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद अली शेखपुरिया। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं मोहम्मद अली शेखपुरिया। पहले ओवर का खात्मा पूरा हुआ, दूसरा ओवर लेके आया है मोहसिन अली पलसानिया। बेहतरीन गेंदबाजी डालते हैं मोहसिन अली पल। कप्तान खादिम हुसैन ने दूसरी ओवर थमाई है मोहसिन अली को। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, पहले टॉस जीता था जाफरी टाइगर्स वागरोले, 104 रन बना पाए, 105 रनों का टारगेट दिया और इस बीच फिर से उठा दिया है नीचे कामयाब अली मौजूद है और यहां पर कैच ड्रॉप होती हुई दूसरा झटका जरूर लग सकता था जाफरी मोमिन इलेवन सदीकपुर को, लेकिन कामयाब अली टाइम पर पहुंच नहीं पाए गेंद के पीछे। दूसरा झटका लग सकता था लेकिन कैच ड्रॉप हुई कामयाब अली की ओर से। अच्छी गेंद डाली मोहसिन अली, लॉन्ग गन की ओर से खेल दिया शॉट, नजीर मोहम्मद मौजूद है, जब तक थ्रो कर गए तब तक एक रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है मोहसिन अली पलसाना की ओर से। अच्छा शॉट खेला लॉन्ग वन की ओर से, कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर, सीमा रेखा के पार चली गई, 4 रन के लिए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ ना। मोहम्मद अली शेखपुरिया के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। अच्छा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद यॉर्कर थी, पॉइंट पे मेहरबान अली मौजूद थे, रन में कोई इजाफा नहीं, टीम का स्कोर वही पर रुका हुआ 9 रन। उठा के खेलना चाहते थे लेग साइड की ओर से लेकिन पैरों पे जाके लगी गेंद, अंपायर का इशारा रहेगा लेग बाय, सॉरी
फुल टॉस गेंद सामने की ओर से खेल दिया शॉट, कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर सीमा रेखा के पार। चार रनों के लिए दो ओवर की समाप्ति के बाद जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर का स्कोर पहुंचा है 13 रन एक विकेट के नुकसान पर अगले 48 गेंदों में 92 रन 92 रन की जरूरत। बेस्ट एयर कंडीशनर सप्लाई अने सर्विस माटे एक ज नाम अफीस। जांचे स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, सेंट्रल एसी, डक्टेबल अने वीआरएफ सिस्टम नी मोटी रेंज। दो ओवर की समाप्ति के बाद जाफरी मोमिन 11 का स्कोर है 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। 105 रनों का पीछा करते हुए जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर। वुडन टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, रबर टाइल्स, नेचुरल स्टोन फिनिश टाइल्स, किसी भी शेप या साइज की टाइल्स, किसी भी टेक्सचर या फिनिश की टाइल्स, जैसी चाहो वैसी बना के देंगे टाइल्स, जो कहीं ना मिले हम ला के देंगे टाइल्स, और सिर्फ टाइल्स ही नहीं कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज भी। कामयाबली अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आया है टीम का तीसरा ओवर। माना चाहते थे लेकिन बिट हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन में कोई इजाफा नहीं, टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ 13 रन। कामयाबली ने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए हैं और एक विकेट लिए है जरूर। अच्छा शॉट खेला मेड नजीर खादी हुसैन छिलिया मौजूद है, अच्छा थ्रो दिया, एक रन आसानी से मुकम्मल कर लिया। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर,
अच्छा शॉट खेला के खादिम हुसैन मौजूद है, जब तक थ्रो करेंगे तब तक एक रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अच्छा शॉट खेला था, मोहम्मद खादी मौजूद है वहां पर, जब तक थ्रो करेंगे तब तक एक रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। हल्के हल्के कदमों से कामयाब लिया अंबलियासना, सामना करेंगे मोहम्मद शेखपुरिया। उठा के खेलना चाहते थे, उतना संपर्क नहीं हुआ उनके बल्ले से, लेकिन रन में कोई इजाफा नहीं, टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ। तीसरे ओवर का आखिरी गेंद प्रगति पर, लॉन्ग बॉल की ओर से खेल दिया शॉट, खादिम हुसैन छिल्लिया मौजूद है, जब तक थ्रो करेंगे तब तक एक रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जाफरी मोमिन 11, सदीपुर का स्कोर पहुंचा है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया असद महमूद। गेंदबाजी करने आए हैं नजीर मोहम्मद, सामना करेंगे एक बार फिर से नजीर हुसैन का सामना करेंगे मोहम्मद अली। एक बार फिर से उड़ाकर मारना चाहते थे, जोरदार अपील हुई लेकिन एम्पायर आउट करार दिया। जाफरी मोमिन का ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। मोहम्मद शेखपुरिया के नए बल्लेबाज आए हैं सिराज अहमद, कप्तान अपनी जिम्मेदारी कंधों पर लेते हुए। नजीर मोहम्मद एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामना करेंगे सिराज अहमद। हल्के हल्के कदमों से सिराज अहमद, सम्मान दिया, 1 रन पूरा किया तेज कदमों से, और ये गेंद बाउंड सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जाफरी मोमिन का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
सिराज अहमद ने चौके के साथ अपना खाता खोला। नजीर मोहम्मद अपने ओवर की चौथी गेंद डालेंगे। सामना करने के लिए तैयार सिराज अहमद। नजीर मोहम्मद एक बार फिर से एम्पायर से गुजरते हुए अच्छी गेंद थी। नजीर मोहम्मद एक बार फिर हल्के हल्के कदमों से एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन जाफरी मोमिन सदीकपुर 2 विकेट के नुकसान पर। पांचवी गेंद डालेंगे नजीर मोहम्मद। सामना करेंगे सिराज अहमद। कलाई के सहारे मोड़ दिया पॉइंट के साइड में, फील्डर मौजूद था, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे नजीर मोहम्मद। सामना करेंगे सिराज अहमद कप्तान। और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर है 26 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आए हैं इमदाद अली। तेज कदमों से एक बार फिर अच्छी गेंद थी, उड़ाकर मारना चाहते थे। एक रन पूरा किया। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इमदाद अली अपने बॉलिंग मार्ग पर एम्पायर से गुजरते हुए सामना करेंगे सिराज अहमद। अच्छी गेंद थी एक्स्ट्रा कवर के जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इमदाद अली का सामना करेंगे मोहम्मद अली।
इमदाद अली एक बार फिर से एम्पायर से गुजरते हुए, अच्छी गेंद थी, लॉन्ग बॉल की साइड में खेल दिया, एक रन पूरा किया, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाफरी मोमिन सदीकपुर का 29 रन दो विकेट के नुकसान पर। इमदाद अली का सामना करेंगे सिराज अहमद, और ये उठा दिया है गेंद हवा में, और जाफरी मोमिन सदीकपुर का तीसरी विकेट। सिराज अहमद कप्तान आउट होकर वापस पैवेलियन में। नए बल्लेबाज आए हैं मिकदाद अली दसाड़िया। खेल शुरू होने की तैयारी में इमदाद अली चौथी गेंद डालेंगे, एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे, हल्की सी अपील हुई, जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन तीन विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे इमदाद अली, सामना करेंगे मोहम्मद अली, एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। पांच ओवर के समाप्ति के बाद जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर है 30 रन तीन विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स की टोली मैदान में बेस्ट एयर कंडीशनर सप्लाई अने सर्विस माटे एकज नाम अफीस। જ્યાં સ્પ્લિટ એસી, કેસેટ એસી, સેન્ટ્રલ એસી, ડક્ટેબલ અને વીઆરએફ સિસ્ટમની મોટી રેન્જ। જાફરી ટાઈગર વાગરોલ ને પહેલે ટોસ જીત કર बल्लेबाजी करते हुए जाफरी मोमिन सदीकपुर के सामने 104 रन का लक्ष्य रखा है। टीम का स्कोर जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर का स्कोर पहुंचा है 31 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। 105 रनों का पीछा करते हुए टीम जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर अगले 30 गेंदों में 74 रनों की जरूरत।
जाफरी मोमिन सदीकपुर को जीत के लिए 30 गेंदों में 74 रनों की जरूरत। नजीर मोहम्मद आए हैं अपने कोठे का दूसरा और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर सामना करेंगे मोहम्मद अली। एक बार फिर से नजीर मोहम्मद सामना करेंगे मोहम्मद अली, उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, आसानी के साथ एक रन पूरा किया। जाफरी मोमिन सदीकपुर का धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नजीर मोहम्मद एक बार फिर सामना करेंगे मिकदाद अली और ये सीधा स्ट्रेट में खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, तेज कदमों के साथ एक रन पूरा किया। एक रन के साथ जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नजीर मोहम्मद इस ओवर की तीसरी गेंद डालेंगे, फिर से उठाकर खेल दिया है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जाफरी मोमिन सदीकपुर को 27 गेंदों में 66 रनों की जरूरत। एक बार फिर से दिशा से भटकते हुए एम्पायर के फटके, एम्पायर ने वाइड करार दिया। अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नजीर मोहम्मद एक बार फिर से सामना करेंगे और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 6 रन के साथ जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जाफरी मोमिन सदीकपुर को जीत के लिए 26 गेंदों में 59 रन की जरूरत। नजीर मोहम्मद का सामना करेंगे मोहम्मद अली। नजीर मोहम्मद एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर एम्पायर से गुजरते हुए, अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑन की साइड खेल दिया, कप्तान मौजूद, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नजीर अली अपने ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे, सामना करेंगे मिकदाद अली, फुल टॉस गेंद थी, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। अतिरिक्त के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, गेंद सीमा रेखा के बाहर 440। बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल अभी भी शेष।
सामना करेंगे मोहम्मद अली। जाफरी मोमिन सदीकपुर को जीत के लिए 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत। मोहम्मद अली अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों का सामना किया है, 22 रन बनाकर नाबाद। मोहम्मद अली तैयार, सामना करेंगे मोहसिन अली का। मोहसिन अली एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑन की साइड खेल दिया, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। एक रन के साथ जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन अली सामना करेंगे मिकदाद अली, एक बार फिर से उठाकर खेल दिया है गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 440 नुकी ग्लोबल फोर्ट छक्का। 6 रनों के साथ जाफरी मोमिन सदीकपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मिकदाद अली दासदिया खेल रहे हैं 14 रन बनाकर, जो कि स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है मोहम्मद अली 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। मोहसिन अली तैयार, सामना करेंगे मिकदाद अली। फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट और कवर के बीच में खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अपने कोटे का दूसरा, टीम की ओर से 7वां ओवर। एक बार फिर फुल टॉस गेंद थी फिर से, और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर, 440 नोकी ग्लोबल फूड छक्का। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाफरी मोमिन सदीकपुर का 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 20 गेंदों में 37 रन की जरूरत। एक बार फिर मोहसिन अली सामना करेंगे मोहम्मद अली। उड़ाकर मारना चाहते थे बल्ले और गेंद का कोई संगम नहीं, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद डालेंगे मोहसिन अली। एक बार फिर और ये क्लीन बोल्ड हुए, जाफरी मोमिन सदीकपुर का 4th विकेट का पतन। मोहम्मद अली आउट होकर वापस पेवेलियन में। सोलह गेंदों में 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। मिकदाद अली दसाड़िया जो 5 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहा है। बैटिंग पावर प्ले मोमिन 11 सदीकपुर के लिए ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। 37 रन ये जो 12 गेंदों में आए,
जिसकी वजह से जो आस्किंग रेट बढ़ गया था अब वो 12.33 पर आ गया है। करंट रन रेट 9.71 का। गेंदबाजी के एतबार से देखा जाए तो कामयाब अली, मोहसिन अली और नज़ीर मोहम्मद तीनों ने दो दो ओवर डाले हैं और इमदाद अली शेलिया ने एक ही ओवर डाला है। कप्तान के पास पूरे विकल्प खुले हैं, वाग्रोल एके खादिम हुसैन, लेकिन नए बल्लेबाज शाकिर अली मानसिया और 5 गेंदों में 15 रन बनाने वाले मिकदाद अली दसाड़िया के कंधों पे एक जिम्मेवारी। 18 गेंद जो 3 ओवर बचे हैं उसमें 37 रन बनाने की। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ जाफरी क्रिकेट स्टेडियम वाग्रोल, और पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया मिकदाद अली दसाड़िया ने। इमदाद अली अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का 8वां जो कि पावर प्ले का ओवर है, और उसका फायदा उठा रहे हैं यहां पर जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर के बल्लेबाज। सत्रह गेंदे 31 रन, 10.33 का करंट रन रेट, जबकि अब आस्किंग रेट 10.94 का हो चुका है। मिकदाद अली दसाड़िया सामना करेंगे इमदाद अली का। एक छक्का खाने के बाद एक डॉट गेंद, अब 16 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। सदीकपुर अपने ग्रुप स्टेज की ये आखिरी मैच खेल रहा है, एक मैच जीता और एक मैच हारा है, वहीं वाग्रोले एक मैच जीतकर अपना दूसरा मैच खेल रहा है। और यहां पर मिसफील्ड हुई थर्डमैन की तरफ और गेंद थर्डमैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। 15 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 8 गेंदों में 25 रन बनाकर एक चौका 3 छक्कों की मदद से मिकदाद अली दसाड़िया एक उम्दा पारी खेल रहे हैं सदीकपुर के लिए। इमदाद अली से लिया 1 ओवर 3 गेंद 15 रन 1 विकेट। सामना करेंगे उनका मिकदाद अली, 15 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। एक मरतबा फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद आई मिड विकेट की तरफ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 105 रनों के टारगेट का पीछा करती हुई जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर। अब 14 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। इमदाद अली से लिया सामने पहली मर्तबा, पहली गेंद खेलेंगे शाकिर अली मानसिया। राइट आर्म राउंड द विकेट, शाकिर अली ने गेंद को फुल टॉस पर लेकर खेल दिया मिड विकेट की तरफ। एक रन का मौका था, इस एक रन के साथ अपने रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। अब 13 गेंदों में 25 रनों की जरूरत जीत के लिए जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर को, और वहीं मिकदाद अली की विकेट कम बैक करना चाहेगी वाग्रोले। ऊंचा खेला और ये गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 440 और नोकी ग्लोबल फूड छक्का। अब आखिरी 12 गेंदों का खेल शेष और जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 18 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जिसमें शाकिर अली ने 1 गेंद में 1 रन बनाया है, वहीं मिकदाद अली 32 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 चौका 4 छक्के लगा चुके हैं। बेस्ट एयर कंडीशनर सप्लाई अने सर्विस माटे एकज नाम अफीस। जांचे स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, सेंट्रल एसी, डक्टेबल अने वीआरएफ सिस्टम नी मोटी रेंज। हबीबी तू तो फॉले ये जंती मैं
मुस्कान ओवर में 25 दिए हैं, नजीर मोहम्मद ने दो ओवर में 32 दिए हैं, वहीं इमदाद अली सेलिया ने दो ओवर में 23 दिए हैं। अब आए हैं 6 रन देकर एक विकेट लेने वाले कामयाब अली। और पहली गेंद कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, और दो रनों का इजाफा, अब 11 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। वागरोले और सदीकपुर के बीच में आज की नाइट का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी वागरोले ने, 104 रन बनाए थे 105 के टारगेट का पीछा करती हुई। इनिंग के 9वें ओवर में 88 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, बेहतरीन शॉट और वहां पर मिसफील्ड हुई जहां एक ही रन होना था। गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। अब 10 गेंदों में 13 रनों की जरूरत, 6 विकेट शेष। दर्शक जो एलईडी रोप लाइट से दूर रहिए। अच्छी गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद लेकिन इस बीच एक रन का मौका था, पूरा कर लिया। अब आए हैं मिकदाद अली 32 रनों पर, सामना करेंगे कामयाब अली का। 2 ओवर 3 गेंद 13 रन 1 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर गेंद ग्लांस कर दिया और लॉन्ग लेग सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। अब 8 गेंदों में 8 रनों की जरूरत जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर को। इस बीच खेल दिया अब 7 गेंदे और 7 रन जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर को जीतने के लिए। कामयाब अली की स्पेल की आखिरी गेंद, कमबैक किया, ओवर का खात्मा हुआ। अब आखिरी ओवर में 7 रनों की जरूरत, कामयाब अली ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 ओवर में 18 रन और 1 विकेट। जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर 98 रन 98 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 9.0 ओवर। 10.89 का करंट रन रेट। अब आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 7 रन। शाकिर अली मानसिया 5 गेंदों में 1 चौके की मदद से 8 पर, जबकि मिकदाद अली दसाड़िया 12 गेंदों में 2 चौके 4 छक्कों की मदद से 308 के स्ट्राइक रेट से 37 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे। गेंदबाजी में आए हैं मेहरबान अली नांदोलिया, मिकदाद अली दसाड़िया जो कि 37 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे। आखिरी ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद, अब 5 गेंदों में 7 रनों की जरूरत, बाउंड्री लाइन की जो लाइट है उससे दूर ही रहिए। मेहरबान अली राइट आर्म ओवर द विकेट और वाइड का इशारा हुआ। अब
पांच गेंदों में छह रनों की जरूरत। मिकदाद अली दसाड़िया 37 रनों पर सामना करेंगे मेहरबान अली। इनिंग का ये आखिरी ओवर, पांच गेंदे छह रन। गेंद को खेल दिया मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद, एक रन का मौका। एक रन के साथ मिकदाद अली आए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उनका स्कोर हुआ 38 रन, जबकि 8 रनों पर बल्लेबाजी करेंगे शाकिर अली। अब चार गेंदों में 5 रनों की जरूरत, 6 विकेट शेष, 100 रन मुकम्मल किए जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर ने। मेहरबान अली की गेंद को खेल दिया और ये स्कोर लेवल हो गया। अब जीत के लिए एक रन की जरूरत जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर को। स्कोर लेवल हो गया है। शाकिर अली मानसिया 6 गेंदों में 12 रनों पर, जिसमें 2 चौके शामिल। 15 गेंदों में 36 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में। मेहरबान अली राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे उनका शाकिर अली। 3 गेंदे 1 रन, राइट आर्म ओवर द विकेट। अब 2 गेंदे 1 रन, मेहरबान अली। और ये जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर ने इस मैच को 6 विकेटों से जीत लिया है। इस मैच के बाद तीसरा मुकाबला धोलका और जाफरीपुरा के बीच में खेला जाएगा। शानदार बल्लेबाजी, नॉट आउट पारी 38 रनों की जो खेली है, जिसकी बदौलत मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से जाफरी मोमिन 11 सदीकपुर के मिकदाद अली दसाड़िया को मैन ऑफ द मैच घोषित करता हूं। मिकदाद अली दसाड़िया